दो लोगों का हमें देखने को मिलेगा स्वयंवर, सना का स्वयंवर, शहनाज का स्वयंवर, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन कल जो है इस तरह की चर्चाएं मीडिया में थी कि आसिम रियाज का भी स्वयंवर होगा, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल श्योर नहीं था कि आसिम रियाज स्वयंवर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो हिमांशी के लिए हमेशा अपनी फीलिंग बताते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, उससे मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा था और इसीलिए इस खबर को मैं आप तक नहीं लेकर आई, क्योंकि ये खबर जो है बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं थी। लेकिन कल सलमान खान ने जो है घर के अंदर से एक बात का ऐलान किया कि एक नहीं दो कंटेस्टेंट भी हो सकते हैं, तब मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि जो आसिम की बातें हो रही हैं वो सही हो। इसीलिए कल जब मैंने सना के साथ आसिम का नाम लिया तो मैंने ये बात क्लियर की थी कि मैं डाउटफुल हूँ, पुख्ता नहीं हूँ, लेकिन आसिम के नाम की चर्चा है। अब कन्फर्म हो गया है कि आसिम रियाज जो है स्वयंवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्या आसिम रियाज स्वयंवर करने वाले थे कभी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आसिम रियाज को ये शो ऑफर हुआ था, उनका नाम चर्चा में आया था, लेकिन आसिम ने ये बात क्लियर कर दी कि वो इस तरह का कोई शो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जिसको चाहते हैं उसके साथ एक बहुत ही ऑनेस्ट और फेथफुल रिलेशनशिप में हैं और वो किसी और के बारे में अभी इस तरह का शो नहीं करना चाहते हैं। उनका इशारा हिमांशी की तरफ ही था। उसके बाद अब जो है तो फिर कर कौन रहा है, कौन सा है वो दूसरा सदस्य? दो लोग उस स्वयंवर से जुड़ेंगे। पहली थियरी ये थी कि सिद्धार्थ शुक्ला होस्ट करेंगे और सना करेंगी स्वयंवर, उनका होगा स्वयंवर। लेकिन सिद्धार्थ जो है उन्होंने भी जो है मुझे लगता है होस्ट करने के लिए मना कर दिया कि वो ये शो जो है होस्ट नहीं करने वाले हैं। तो फिर दूसरा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका हो रहा है स्वयंवर? क्लियर हो गया है, दरअसल घर में प्ले बॉय इमेज है पारस की और वो करने वाले हैं घर के अंदर स्वयंवर सना के साथ। तो जो दो सदस्य हमें स्वयंवर में नजर आएंगे वो है सना और पारस। शो का फॉर्मेट जो है कुछ इस तरीके से है कि 15 को जैसे ही फिनाले खत्म होगा उसके बाद जो है 16 से इसकी थोड़ी बहुत शूटिंग और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। 7 लड़कियों 7 लड़कियों का चयन कर लिया गया है, देश भर से 7 एक घर होगा जहाँ पे जो है 7 लड़के रहेंगे, 7 लड़कियाँ रहेंगी और 7 कंटेस्टेंट में से हर 1.5 हफ्ते में, 7 दिन में 8 दिन में, शुरू के 2-3 हफ्ते कोई एविक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद जो है एक एक करके जो है घर के अंदर से सदस्य निकाले जाएंगे और जो आखिर में वो बचेगा वो जो होगा एलिजिबल कैंडिडेट होगा स्वयंवर के लिए, सना के लिए और पारस के लिए। तो इस तरह की शो का फॉर्मेट बना है। हालांकि चर्चा में बहुत सारे नाम आए थे लेकिन शहनाज और पारस आप जानते हैं कि बहुत सारे रियलिटी शो कर चुके हैं, वो रियलिटी शो के किंग माने जाते हैं अब तो। यहाँ तक कि बिग बॉस में जिस तरह से वो अपना एनालिसिस दे रहे थे उसको देखकर जो है सुनकर सलमान खान भी काफ़ी सरप्राइज हो गए थे। और अब जो है उमर रियाज यानी आसिम के बड़े भाई ने भी सोशल मीडिया पर ये बात कन्फर्म की है कि इस तरह का कोई भी शो है आसिम नहीं कर रहा है। लेकिन सना को जो है अगर मैं कहूँ तो उनके भाई और पिता लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि सना इस तरह का शो नहीं करने वाली है, लेकिन अंदर से जिस तरह के भी सूत्रों से हमें खबर मिल रही है ये बात कंफर्म है कि सना ये शो कर रही है और जो है उनके साथ होंगे पारस और दोनों का होगा स्वयंवर। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस शो को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि पारस जो है अपनी पसंद की दुल्हन ढूंढ पाएंगे? क्या सना अपने पसंद का दूल्हा ढूंढ पाएंगी? आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।